वीकली आप लोग क्वेश्चन आते हैं, इस वीक क्या क्वेश्चन है आप लोग का? सर मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ कि ग्रिप ऊपर पकड़ू या नीचे शॉट मारू। ग्रिप के बारे में बात करते हैं हम लोग, ठीक है। आगे से खेलना है तो आपको हल्का ऊपर पकड़ना होगा क्योंकि हमें शॉर्ट स्विंग करना पड़ता, पीछे से पकड़ना है तो हमें नीचे पकड़ना होगा क्योंकि हमें पावरफुल स्ट्रोक मारना पड़ता, ठीक है। इसमें बैक एंड सर्विस कर सकते हैं, फोर एंड सर्विस कर रहे हो कंटिन्यू, अगर बीच में चेंज करना है बैक एंड सर्विस पे आप कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। सर अगर मैच खेलते वक्त अपने हाथ से रैकेट छूट गई या अपोनेंट के कोर्ट में गई तो क्या अपोनेंट के कोर्ट में जाके इसमें ले सकता हूँ? ओके, अगर आपके हाथ से रैकेट छूट गया और बाहर चला गया तो आपको खुद से जाके लाना है, ठीक है, कोई आपको दे नहीं सकता रैकेट। अगर अपोनेंट कोर्ट में चला गया तो आपको जाके लाना है, अगर अपोनेंट डिस्ट्रैक्ट नहीं होता है तो, अपोनेंट डिस्ट्रैक्ट हुआ तो फॉल्ट। शटल को ब्लो कर सकते क्या? सर ये बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक है, मैं अपने फॉलोअर से पूछूंगा और अंपायर से पूछ के डिस्कस करके बताऊंगा। सर क्या मैं दो रैकेट से खेल सकता हूँ? दो रैकेट से कैसे खेलोगे? दो रैकेट सर्विस कैसे करोगे? फुटवर्क पूरा गलत हो जाएगा, ऐसे सवाल आते कहाँ से हो आप लोग? ऐसा कोई लॉ नहीं है लिखा हुआ कहीं पे भी। तभी मैं पूछता हूँ अपने फॉलोअर से क्या अलाउड है क्या ऐसे। ओके सो फॉलोअर्स आप मुझे बताइए, क्या शटल को ब्लो कर सकते हैं हम या दो रैकेट से खेल सकते हैं? इन बच्चों के क्वेश्चन का जवाब दीजिए आप लोग। एंड थैंक यू फॉर 10K फॉलोअर्स, ऐसे ही आप लोग मेरा साथ देते रहिए, मैं और अच्छा कंटेंट बनाते रहूंगा। थैंक यू।